नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जहां से आपको हर एग्जाम संबंधी जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शासन ने यहां पर शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 फरवरी से घोषित करने का प्लान बनाया था। दोस्तों, अब 1 फरवरी से परीक्षा तो नहीं हो रही और बीच में यहाँ पर जो है अतिथि शिक्षकों का जो है आवेदन लगातार मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, इसी के चलते एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि 1 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की। जबलपुर हाई कोर्ट से निकल के आ रही है, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर कि 29 जनवरी 2019 3:21 पर अभी ये खबर निकल के आ रही है। क्या खबर है देखते हैं दोस्तों, पूरी खबर पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से कि MSc पास है फिर भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं ये लोग। जानिए सरकार का नियम, क्या सरकार का नियम बना है जो MSc किए लोग हैं उनको क्या किस वजह से जो है न्यायालय जो है उच्च न्यायालय उनको शिक्षक की मान्यता नहीं दे रहा है। जानिए पूरी खबर यहां पर क्या निकल के आ रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं, हाई कोर्ट ने स्कूल, यहां पर लिखा होगा दोस्तों, एक एक जानकारी पढ़ेंगे वीडियो के माध्यम से। हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर पूछा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में MSc एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए BEd अनिवार्य क्यों किया गया। जस्टिस RS झा और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगल पीठ ने आवेदकों जो अनावेदकों को 4 सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए। दोस्तों, तो आप समझ सकते हो कि हाई कोर्ट ने जो स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च या हाई स्कूल के लिए जो दोस्तों यहाँ पे बताया था कि MSc जो एग्रीकल्चर से छात्र किए हैं वो जो BEd अनिवार्य क्यों कर दिया उनको, कि MSc करने के बाद उनको BEd भी अनिवार्य कर दिया है। इसी के चलते जब बात की गई तो जस्टिस थे वहाँ पर न्यायाधीश RS झा और जस्टिस संजय द्विवेदी ने युगल पीठ जो थे उन्होंने कम्प्लीट एनालिसिस किया और बताया कि अनावेदकों को 4 सप्ताह के जवाब देने का निर्देश दिए हैं। दोस्तों, इसके आगे क्या है अब आगे देखते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और जो है प्रिपरेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी, शिक्षक बनने MSc एग्रीकल्चर छात्रों के लिए BEd अनिवार्य क्यों है, जानते हैं क्यों है तो समझ सकते हैं। पूरी खबर पढ़ेंगे कि बुरहानपुर निवासी राहुल सातरकर सहित 24 MSc एग्रीकल्चर के छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए प्रिपरेशनलिज्म एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से भर्ती निकाली है। शिक्षक पद में MSc एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए भी BEd अनिवार्य कर दिया गया और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए BEd अनिवार्य कर दिए जाने से प्रदेश भर में MSc एग्रीकल्चर के छात्र नियुक्ति से वंचित हो रहे हैं। ये रही खबर दोस्तों, आगे क्या है, याचिका में कहा गया कि BEd, BCom और BSc की डिग्री लेने वाले के लिए BEd अनिवार्य करना ठीक है, लेकिन MSc एग्रीकल्चर जो है उन्हें प्रिपरेशन एग्जामिनेशन या प्रिपरेशन डिग्री, इस डिग्री को करने में छात्र को 6 वर्ष का समय लगता है। आगे, यदि MSc एग्रीकल्चर की डिग्री लेने के बाद छात्र BEd करता है तो उसे 2 वर्ष का समय और चाहिए, इसलिए MSc एग्रीकल्चर की डिग्री लेने वालों के लिए शिक्षक पद के लिए BEd अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगल पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और जो थे दोस्तों प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि दोस्तों अब उन्होंने अपनी जो बात थी दोस्तों यहां से शिक्षा विभाग को दे दी और जो था PEB को दे दी। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में आप निर्णय लेके बताइए कि क्या किया जाए, जो MSc किए हैं उनको BEd अनिवार्य करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए जो पूरा निर्देश था उच्च न्यायालय ने अपनी बात को रखा है और यहाँ विद्यार्थियों ने लिखा है कि यदि BEd करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर समय सीमा उनकी बढ़ जाएगी और अब इनके लिए सबसे मेन चीज़ पी एफ अट जाएगा कि उनको समय जब बढ़ने के बाद, तो इसके लिए जो है सरकार या फिर कोर्ट कोई न्यायालय नहीं ले पा रही है, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, इसलिए इनको PEB पर और शिक्षा विभाग के लिए सौंप दिया है। अब जो भी उसका निर्णय आता है दोस्तों PEB का या तो शिक्षा विभाग का इसके संबंध में कि क्या होगा BSc एग्रीकल्चर वालों का दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपके लिए पहुंचाऊंगा। दोस्तों, ये रही आज की खबर। दोस्तों, यदि आप चाहते कि ऐसी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे दोस्तों, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर के बटन को दबा दीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन होगा प्यारे मित्रों उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सबसे पहले एग्जाम की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, प्यारे मित्रों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में जो कि आपकी संविदा शिक्षक और मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का ग्रुप बनाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्द से जल्द। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।